तो मैं बता रहा हूं, वन टू टू एंड थ्री। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मेरी पिछली ब्लॉग जो मैंने सबसे पहले मतलब मैंने पहली बार बनाई थी उसमें आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया और आपके ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट्स देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो आगे भी ऐसे ही मैं वीडियोस बनाती रहूंगी, चाहे रेसिपी से जुड़ी हो या फिर हमारी फैमिली से जुड़ी। तो आप प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। तो दोस्तों, अभी दोपहर के 2:30 बज गए हैं और अभी मैं जाऊंगी यश को स्कूल से लेने के लिए, क्योंकि अभी वो 3 बजे छूट जाएगा। तो मैं अभी जा रही हूँ यश को स्कूल से लेने के लिए। तो आप सभी हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ परी की ब्लॉगिंग आपको अच्छी लग रही है। प्लीज कमेंट, प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक भी प्लीज। करिएगा दोस्तों। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि पिछला जो व्लॉग आपने मतलब देखा था वो परी ने अपनी लाइफ में पहला व्लॉग, मतलब मुझे तो बोलने की आदत है मगर परी ने मतलब आपने जो मोटिवेशन दिया कि यस उसे करना चाहिए करना चाहिए, और बहुत अच्छी तरीके से और उसने बहुत निभाया। सारे कमेंट आए मुझे और वो मतलब देख के मुझे इतना अच्छा लगा। और अभी तो मुझे लग रहा है कि मैं रोज व्लॉग बना, बस यस मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं अभी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी परी को सौंपने वाला हूँ व्लॉगिंग की। क्या क्या आप क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जयेश मुझे बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग करता है कि नहीं आप मतलब वो बोलते हैं कि तुझे बनानी चाहिए, तू अच्छी बनाती है, तू अच्छा बोलती है, तू प्लीज बना। तो आपको भी बहुत सारा नहीं थैंक नहीं यू कि यूर आपने वेलकम। मतलब मुझे इतना इंस्पायर किया, तो मैं मतलब मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंट आया। पहले मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अभी जयेश ने इतना वो मतलब मुझे मोटिवेट किया और आप लोगों के कमेंट्स ने, तो मतलब मैं बहुत खुश हो गई आप लोगों के कमेंट देखकर। क्योंकि दोस्तों मेरा मानना यह है कि मतलब जो हाउसवाइफ होती है मतलब उनकी लाइफ सिर्फ किचन तक सीमित नहीं होनी चाहिए या बच्चों को बड़े करने में नहीं होनी चाहिए, उन्हें अपना पैशन भी फॉलो करना चाहिए। और जो भी हस्बैंड्स हैं मतलब उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्पेशली हमारा जो इंडियन कल्चर है मतलब उसमें ज़्यादातर हाउसवाइफ मतलब वो किचन के अंदर ही पूरा जीवन बीत जाता है बच्चों को बड़े करने में। तो सारे हस्बैंड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि क्यों ना वे भी अपनी वाइफ यानी धर्मपत्नी को मोटिवेट करें, उनका पैशन साथ में पैरेलल उनको फॉलो करना है तो और वो करने। बोलते हैं ना कि मतलब हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो मेरा उल्टा है, कामयाब औरत के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है, मैं ऐसा बोलना चाहूंगी नहीं, वैसे। उनका मतलब इनका भी मुझे बहुत सपोर्ट है। आज जो भी मतलब इस मुकाम पर पहुंचा हूं उसमें लाइक परी का काफी सपोर्ट है, वह मुझे काफी सपोर्ट करती है मतलब शूट से लेके। मैं भी कई बार डाउन हो जाता हूँ, ऐसा नहीं है मतलब ह्यूमन बीइंग है, होना है, कई बार स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो वो भी मुझे काफी सपोर्ट करती हैं। घर की लक्ष्मी है तो मतलब बस मतलब ऐसे ही आप सभी का सपोर्ट रखिएगा दोस्तों, अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाएंगे। और फिलहाल बज रहे हैं 2:30, अभी यश की हाँ, मम्मी अभी जा मैं रही जा है। रही हूँ, बाय, मैं अभी मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आप सभी यस को, यश को लेके आ रही हूँ। श्योर श्योर आ जाओ, यश की मम्मी जा रही है यश को लेने। मैं अभी फिलहाल रिकॉर्डिंग में था तो मैंने सुना शी स्टार्टेड द व्लॉगिंग, तो मैंने बोला क्यों ना मैं भी इन्वॉल्व हो जाऊँ व्लॉग में, तो अभी कुछ ही देर में आ जाएगी। मेरी एक प्लानिंग है आज, यश को पता नहीं है कि मैं व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली मैं व्लॉग इवनिंग के टाइम वो आने के बाद करता हूँ। आज यश को भी सरप्राइज देंगे, अभी कुछ ही देर में मतलब 15-20 मिनट्स में वे आ जाएंगे दोनों, तो मैं सीधा बताऊंगा और उसके एक्सप्रेशन हम कैच करेंगे एग्जैक्टली उसके एक्सप्रेशन क्या है, वो कैसे मतलब लाइक उसके एक्सप्रेशन मतलब कैसे उसका रिएक्शन है कि भाई मैं पापा डायरेक्टली मुझे लाइक कैप्चर कर रहे कैमरे में, देखते हैं आज। और फिलहाल आज भी थोड़ा लाइक वर्क का लोड है, देखते हैं क्योंकि शाम को शूट है, जो भी मेरी इंस्टाग्राम पे रील्स आती है मतलब काफी बर्डन है आज, मगर फिर भी मैं कोशिश करूंगा। और एक चीज आपको इस वीडियो में दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में एक स्पेशल चीज होने वाली है। ओके, तो वीडियो में बने रहिएगा। ओके, और उस चीज को देखने के बाद मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे मैं क्या बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो आप उस चीज को देखने के बाद आप मुझे कमेंट में बताइएगा, आपके सारों जो भी कमेंट आते हैं मैं पढ़ता हूं, मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि मतलब आपको क्या फील हुआ मतलब वो चीज को देखने के बाद, ठीक है ना दोस्तों? दोस्तों अभी कुछ ही देर में यश पहुंचने वाला है, अभी मतलब टाइम हो गया है और उसे नहीं पता कि मैं व्लॉग शूट कर रहा हूं,
देखते हैं उसका एक्सप्रेशन क्या है, आप सभी को दिखाना चाहूँगा। सुबह अराउंड इसका स्कूल का टाइम सुबह 9 बजे के आसपास है, अराउंड 3 o'clock वो छूट जाता है और आ गया है, आ गया है। होल्ड ऑन 1 सेकेंड। हेलो यश, कहाँ जा रहे थे? कैसे हो? आप वहां पे क्यों गए? क्या हुआ? मुझे तुम्हें लगा मैं वहां हूँ? यस दोस्तों, मैं ऑफिस में बैठता हूँ, मुझे पहले वहां पे मिलने आता है, उसे पता नहीं था कि मैं यहाँ पे हूँ। जंग लड़के आया है स्कूल में। नहीं बुलाए? Yes. मैथ्स की फिनिश हो गई थी, खत्म हो गए। ओके वेरी गुड, वेरी गुड। कल स्केच पेन लाए, आज बुक लाए, और एक चीज लानी थी लेकिन वो मिली नहीं, मतलब उसको पेंसिल कलर भी चाहिए थे लेकिन वो अभी मतलब अवेलेबल नहीं थे, जो यश को वो पसंद नहीं आए जो थे वो। राइट, तो अभी कल और एक चीज आएगी। रोज खर्चे कराओ। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठंडी कैसे थी यश? बहुत ही, बहुत ज्यादा ठंडी थी। ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना। राइट दोस्तों, आज बहुत लाइक कल से बहुत मतलब बिलो 10 degree मिनिमम टेम्परेचर गिर गया है, तो इसलिए आज यश ने स्विमिंग भी नहीं किया। यस, अभी स्विमिंग मत करिएगा क्योंकि अभी ठंड ज्यादा है, और आप कुछ ही दिनों पहले आपको बुखार भी आया था अगर आपको याद हो तो। देखो हमारे हीरो ने देखो क्या किया, स्कूल में जाके क्या करता है, देखो ये देखो। बताओ 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 बताओ, ये देखो पेन लगा दी, स्केच क्या है, पेन मतलब स्केच पेन क्या करते हैं, बुक में नहीं लिखते, इधर लिखते हैं सब, यहाँ पे लिखते हैं, कई बार हाथ में लिख के आता है, नई नई डिजाइन बना के आता है, ऑटोग्राफ देता है, अपना ऑटोग्राफ देता है। मॉनिटर हो ना, सेलिब्रिटी हो क्लास के। वेरी गुड वेरी गुड। आज लंच में क्या खाया स्कूल में? सब्जी रोटी करी राइस और सलाद। सब्जी रोटी करी राइस और सलाद। और ब्रेकफास्ट में क्या खाया? खमन और चटनी। खमन, खमन गुजरात की स्कूल में खमन ढोकला फेमस है। और चटनी। और आपका ये आपका टेस्ट था ना आज? नहीं, कल था और वापस कल है। कल था, तो आपका टेस्ट कौन से सब्जेक्ट का था? साइंस। साइंस कैसा रहा? अच्छा। अच्छा रहा। और कल कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट है? कल भी साइंस का ही है। कल भी फिर से साइंस का टेस्ट है, दूसरे चैप्टर का मतलब। और दोस्तों यश है ना बहुत मतलब बहुत गुड बॉय है, राइट? नहीं, अपनी प्रिपरेशन वो सब टाइम टू टाइम करता है। नहीं, और मतलब उसकी मम्मी को जरा भी स्ट्रेस नहीं है, मतलब नहीं। वो टाइम के पहले ही सब कुछ बाय हार्ट कर लेता है, राइट यश? यस, राइट, झूठ बोल रहे, सच बोल रहे। और उसको उसको होमवर्क के वक्त बिल्कुल नींद नहीं आती है। और भूख भी नहीं लगती। और भूख तो बिल्कुल नहीं लगती होमवर्क के वक्त, राइट? गुड गुड, ही इज डूइंग वेल। थोड़ा पुश करना पड़ता है, एंड ही इज लाइक उसकी मम्मी, मतलब उसकी मम्मी इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल हिज स्टडीज, मतलब काफी अच्छा कर रहे हैं, उसके एकेडमिक्स काफी अच्छे हैं, मार्क्स अच्छे आते हैं, और अभी से देखो उसे नींद आने लगी है। अभी थोड़े फ्रेश अप हो जाओ। अभी क्या प्रोग्राम है आपका? बातें तो ऐसे कर रहे जैसे अभी सोने वाला है। ओके तो यश अभी सोने वाला है दोस्तों। सो गया। वेरी गुड, आप फ्रेश हो जाइए, चेंज कर लीजिए, कुछ खा लीजिए, और फिर थोड़ी देर ब्रेक लेकर आप अपने स्टडीज पे लग जाइएगा। ओके यस दोस्तों, अभी यश भी हो गया फ्रेशन अप, अभी वो बोलता है मुझे कुछ खाना है, आपको कुछ खाना है क्या? खाना है। क्या खाना है? आपने जो बनाया होगा वो। हाँ तो वो मैं आपको देती हूँ अभी, आप थोड़ा खाना खा लो। ये क्या है? माय चॉकलेट्स का खजाना। क्या ये? चॉकलेट्स है। आपकी चॉकलेट्स है? ये तो पूरा खजाना पड़ा है आपके पास चॉकलेट का। हाँ, खाई लगता। बहुत पसंद है, लेकिन आपको पता है ना आपको मतलब रोज एक ही चॉकलेट मिलेगा, आपको ज्यादा नहीं खाना है चॉकलेट्स, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? इसे रोज मैं एक ही लेता हूँ। हाँ फिर क्या हो जाएगा, क्या लग जाएगी टीथ में? कैविटी। कैविटी हो जाएगी, फिर आप वो डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, फिर वो आपको इंजेक्शन देंगे, फिर बाद में डालने का करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप चॉकलेट्स कम खाओ, और बाद में कारपेंटर के वेपन करके दांत खींच लेंगे। दांत खींच लेंगे ना आपका, लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना है, इसके लिए आप मतलब ज्यादा नहीं खाना है चॉकलेट। ओके हाँ बस अभी। ओके दोस्तों, अभी यश गया है नीचे, वो कुछ खाना खा रहा है,
और अभी जैसे कि जयेश ने आपको बताया कि वो आपको कुछ दिखाने वाले हैं, तो पपाई में हम लोग आपको दिखाने वाले, तो आप जरा वीडियो पे बने रहिएगा। दोस्तों, कुछ ही देर पहले मैंने आपको बोला था कि आज मैं कुछ बताने वाला हूँ, सरप्राइज है। हालांकि कई लोगों ने देखा हुआ है, मगर इस चैनल में ज्यादातर जो भी फॉलोअर्स उन्हें नहीं पता है। और आपको पता है कि मुझे क्या प्रिय है, मुझे सबसे ज्यादा क्या प्रिय है दोस्तों, आप कमेंट में बताइए। ओके, तो मैं बता रहा हूं, 1, 2 एंड 3। जय बजरंगबली, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम। दोस्तों, ये है कष्ट व्यंजन हनुमान जी। ये 3D मतलब इसे लुक दिया हुआ है, अंदर की साइड एम्बॉस किया हुआ है। और ये मुझे गिफ्ट किए, मतलब ये मुझे गिफ्ट मिला है मेरे सारे साहब से। उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, उन्होंने, उनको पता है कि मुझे सबसे ज्यादा क्या प्रिय है, तो मतलब तो उन्होंने मुझे मेरे लाइक बर्थडे पर मतलब मुझे गिफ्ट मिली थी उनकी तरफ से। और मैं मतलब मैं इतना आभारी हूँ उनका, मुझे बहुत मतलब कहते हैं ना, बहुत खुशी हुई थी। तो ये अंदर की तरफ एम्बॉस है, आप देख सकते हैं इस पूरा टेक्सचर, मतलब अगर हाँ, मैं इधर से प्रतिमा को घुमाऊं, आप किसी भी एंगल से अगर आप देखो ना, आपको लगेगा बजरंगबली आपकी तरफ देख रहे हैं। देखो हाँ। और कष्ट व्यंजन हनुमान जी की बात ही निराली है, देखो आप क्लोजली देख सकते हैं, मतलब सारे दर्शकों को एकदम क्लोजली दर्शन करो। अभी आप थोड़ा ऐसे करो, हाँ, तो पूरा 3D इफेक्ट दिखेगा सब, आपको लगेगा कि आपकी तरफ ही हाँ, देख रहे हैं बजरंगबली। आप सारे दर्शक दर्शन कर सकते हैं बजरंगबली के। ये मुझे गिफ्ट उन्होंने कहां से ली थी आपको बताता हूं। ये मुझे उन्होंने गिफ्ट, जैसे वड़ताल धाम हम दर्शन करने गए थे, स्वामीनारायण भगवान का मंदिर है, और वड़ताल धाम जो संस्था है उन्हीं का सारंगपुर कष्ट व्यंजन मंदिर है, मतलब उन्हीं के ताबे का, जैसे हम गुजराती में ताबा बोलते हैं, तो उन्हीं की शाखा बोल सकते हैं आप। तो ये प्रतिमा आपको वड़ताल धाम जो स्वामीनारायण मंदिर, उनके जो धार्मिक स्टोर है, यहाँ पे लिखा है धार्मिक स्टोर, तो वहां पे भी मिल जाएगी। और कष्ट व्यंजन सारंगपुर मंदिर है, वहां पे भी जो वहां का स्टोर है वहां पे भी आपको ये प्रतिमा बजरंगबली की 3D वाली मिल जाएगी। तो मतलब मैंने सोचा क्यों ना इस व्लॉग में आप सभी को बजरंगबली के दर्शन कराऊं। कहीं ना कहीं मतलब कहते हैं ना, मतलब एक अलग ही खुशी होती है बजरंगबली को देख के, मतलब उनके नाम का प्रचार करके, राम नाम का प्रचार करके, तो मैं हमेशा बहुत मन मेरा प्रफुल्लित हो जाता है। और मेरे जो साले साहब, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे इतनी ये अमूल्य गिफ्ट मुझे मेरे बर्थडे पर दी गई थी उस दिन। तो मैंने सोचा क्यों ना इस व्लॉग में आप सभी को दर्शन कराओ बजरंगबली के। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी दर्शकों ने इस कष्ट व्यंजन हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन किए 3D वाली। मैं मतलब बहुत मन प्रफुल्लित हो जाता है जब भी उनके बारे में आप सभी को कुछ बताऊँ या उनके बखान करूँ, मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ। कहीं से भी कुछ भी प्रभु से जुड़ा कुछ भी हो, जैसे बीच में भोग के बारे में बात हुई, मंदिर गया था उनकी प्रतिमा के बारे में, तो मतलब मैं बहुत एक्साइटेड होता हूँ आप सभी को मतलब वो बताने के लिए। और आप सब भी मुझे बहुत ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों, और हम लोग ऐसे नई नई वीडियोस मतलब बनाते रहेंगे। और हम लोग और ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करिएगा दोस्तों, हाँ। कहीं परी को और मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियोस लाएं, हम हमारी फैमिली लाइफ से जुड़ी लाते रहेंगे। और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा दोस्तों। अभी मैं अपने काम पर लग जा रहा हूँ, और अभी मैं देखती हूँ कि यश ने मतलब वो बोल रहा था मामा मुझे कुछ खाना है, और मैंने उसको दिया, अभी उसने खाना खाया कि नहीं वो मैं देखती हूँ। श्योर, आप जाके। बाय बाय। हेलो दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ नीचे, देख रही हूँ कि यश क्या कर रहा है, क्योंकि वो बोल रहा था मुझे कुछ खाना है, अभी उसने खाना खा लिया, मतलब उसने कुछ खा लिया रहेगा। तो अभी मुझे नीचे से आवाज़ आ रही है, हेलो यश। हेलो, हो गया आपका खाना, आपने खा लिया? हाँ, खा लिया। और अभी आप TV देख रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, किधर है दादी? अंदर रूम में। मम्मी आप आ जाओ, सबको आपका भजन सुनना है, आप जल्दी से आ जाइए। आज यश भी सोने वाला नहीं है, और लगता है कि यश की दादी भी मतलब मम्मी को भी आज नींद नहीं आ रही है, तो हम अभी अभी मतलब मम्मी का भजन सुन लेते हैं। मम्मी आज अभी देखते हैं आज मम्मी क्या भजन सुनाने वाले।
मम्मी आ जाए आज आप कौन सा भजन सुनाने वाले हो सबको? आपने कुछ मतलब आपने डिसाइड किया? आज मैं आपको भोले बाबा का भजन सुनाऊंगी। भोले बाबा का? हाँ हाँ हा, अच्छा हा, अच्छा एक मिनट। हाँ तो मम्मी अभी सुना दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आज मैं भोले बाबा का सुनाऊंगी भजन आपको। अच्छा अच्छा, अच्छा आपको पसंद आए? आएगा आएगा तो अच्छा है। एक बार भोले भंडारी बनकर ब्रिज किनारी गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। ओ मोरे भोले बाबा कैसे ले जाऊँ तुम्हें रास में, मोहन के सिवा दूजा कोई न आवे इस रास में। रास करेगी ब्रज की नारी सुनो बात हमारी, गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। एक बार भोले भंडारी बनकर ब्रिज किनारी गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। ऐसा सजाना मुझको कोई न जाने इस राज को, मोहन के सिवा दूजा कोई न जाने इस राज को। लगा के गजरा बांध के साड़ी चाल चले मत वाली, गोकुल में आ गए हो, गोकुल में आ गए। एक बार भोले भंडारी बनकर ब्रिज किनारी गोकुल में आ गए। जय भोले बाबा। बहुत ही अच्छा मम्मी, बहुत ही अच्छा गाया आपने। और आप लोग भी मतलब लाइक कीजिएगा मम्मी का भजन, आपको कैसा लगा? तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप आगे भी देख सके। तब तक गुड बाय, बाय, सी यू सून, बाय।